Terima kasih telah menonton! राधे राधे कैसे हैं आप सब आई होप के आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे तो यहाँ पे देखिए ईशु ने एयरफोन मंगाए हैं अपने तो उसके एयरफोन ख़राब हो गए थे जिससे कि उसको क्लास लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो आजकल कोई भी चीज़ आती है मैं बिना वीडियो बनाए नहीं खोलती हूँ क्योंकि एक बार दिक्कत हो चुकी है एक नहीं बल्कि दो बार हो गई है इसी वजह से जिससे कि हमारे पास प्रूफ रहेगा तो यहाँ पर वो खोल रही है और बच्चों को क्या रहता है कि हम उन माँ बाप को मतलब कुछ भी बोलेंगे तो वो यकीन कर लेंगे तो वही इशू का रहता है उसको क्या रहता है कि मम्मी को मैं मतलब कितने प्राइज़ के आए हैं कम बताऊंगी तो खुश हो जाएंगी कि मतलब बहुत सस्ते में आ गए लेकिन वो ज़्यादा महंगे आते हैं मगर ये पता नहीं है बच्चों को क्या हाँ तो रिलैक्स फील हो जैसे मुझे दिया नहीं देगा मैं भी तो सो गई सो गई दो चार दिन लगातार ऐसे आई जब अभी पता ना जब नाक में रहा दो चार दिन तो मैं सो गई सो गई फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे थोड़ा सा कम करा उन्होंने बाद में भी ना होगा ऐसे एक वो डब्बा ना ऊपर है जो ये सुल मैंने उम्मीद दूंगी उस डब्बे में सारे तोड़ के और जड़न ने यहाँ से काट कर ऐसे ही रखे सब साफ ऐसा ही रहेगा जब तक खत्म ना होगा ये ना। खाली चाकू से छोटी सी पीछे की जड़न ने काट दीजा ज़्यादा मत काटिए छट्टी बनाने का मैं यहाँ पर देखिए गेहूँ साफ़ करके और पिसवाए थे तो गीता ने वही आटा मतलब ये ले थी पिसवा करके और हो गया है एक दिन क्योंकि गर्म आटे को कभी भी टंकी में भरना नहीं चाहिए ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी तो एक दिन पहले पिस के आया था अच्छे से ठंडा हो गया है गीता ने टंकी को भी धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था उसके बाद में आटा अब इसमें भर दिया है और गर्मियाँ हो रही हैं तो इसलिए अब ज़्यादा आटा नहीं पिसवाते हैं क्योंकि ऐसे ही था मतलब दस बारह किलो के आसपास ही और यहाँ देखो टोकरी में यू खूब सारी सब्जी और सब ले करके आई थी और यहाँ पे गीता ने बनाया है मटर पनीर तो रेसिपी तो मैंने आपको डिटेल में शेयर नहीं की थी लेकिन मैंने की दिखा देती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा और टेस्टी भी बना था मैंने ज़्यादा नहीं खाया बहुत हल्का सा जो इसका रसा है वो चेक करके देखा था और मैं आप लोगों को बता रही थी ना कबूतरों के बारे में तो यहाँ देखिए हमारे कूलर के नीचे इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है बहुत ज़्यादा तो बस गीता वही साफ़ करके यहाँ से हटा रही है लेकिन हमें यही था कि बच्चे हो जाएंगे किसी के अंडों को हटा करके नहीं फेंकना चाहिए लेकिन समझ में नहीं आया क्या है अपने आप से ही ये फूट के बेकार हो गए और यहाँ आज का वीडियो है ये मेरा ईशु ने आज शुक्रवार का व्रत रखा है और आपको भी बताऊंगी ना मैंने ईशु ने किस वजह से मन्नत मांगी थी लेकिन बोलते हैं कि बता देते हैं तो मन्नत शायद पूरी नहीं होती मगर क्या करूं मेरे से रहा भी नहीं जा रहा है बताए बिना सच्ची में उसने मेरे लिए मांगी थी कि मम्मी ठीक हो जाएंगी इस हॉस्पिटल में थी मैं तब उसके बाद अब शुरू करें तो आज मैं काफ़ी सुन करके जब उसने मुझे बोला तो मैं एकदम इमोशनल हो गई कि मतलब उसने जब मैं हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट हुई तबीयत मेरी उस दिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी तब उसने मन्नत मांगी थी अब मैं ठीक हो के घर आ गई तो उसने ब्रश शुरू करे हैं बस यहाँ गीता किचन की वही साफ़ सफाई में लगी हुई है उधर सारे मतलब कुछ नीचे सामान था उनको भी और जब आटे की टंकी निकाल के तो फिर ये रखता है जो खाने वगैरह हैं उनको भी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा करके सामान सेट कर देते हैं यहाँ मैंने ईशु के पूजा हो गई है तो उसके मतलब व्रत के लिए फलार के लिए मैंने थोड़े मखाने और मूँगफली भुनी इधर चाय बनाई है वहाँ पर गीता ने मलाई जमाई थी रात को तो मक्खन वगैरह निकाल कर घी गरम हो गया और देखो बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए मैं आपको किचन दिखा रही थी पूरी फैली पड़ी है चारों तरफ को तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन साफ़ करेगी उधर मशीन लगा रखी है कपड़े भी क्योंकि चादरें वगैरह हैं सब चेंज किए हैं कूलर वगैरह चलता है आजकल चादरें बहुत जल्दी से गंदी हो जाती हैं और यहाँ पे मैं कुछ ओरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स नहीं जो हम पिज्ज़ा वगैरह मंगाते हैं उसके साथ में पाव चाय हुए थे कुछ यूज हो जाते हैं कुछ रह जाते हैं मतलब सारे तो यूज़ नहीं कर पाते पिज़्ज़ा पे तो मैं यहाँ दो सीसी थी जो यीसू की उसकी ख़त्म हुई थी चिल्ली सॉ सॉस वाली सॉरी हाँ चिल्ली सॉस वाली उसमें ही दोनों में काट काट के उनको भर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी रेसिपी में चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो काम में आ जाते हैं जैसे पकौड़ी बनाओ और भी बहुत सारी रेसिपी हैं और सूखी सब्जी में भी अच्छा लगता है वैसे आजकल मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा कोई डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है मेरा ऑपरेशन है और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं वो अभी अभी नई जुड़ी है तो उन्होंने मुझे पूछा है कि अपनी फैमिली के बारे में बताएं तो देखिए ये ईशू बैठी है जो कि मेरी बेटी है और गीता मेरी भाभी है छोटी और उसके दोनों बच्चे हैं गन्नू पिंकू और हम एक ही साथ में एक घर में रहते हैं दोनों ननंद भाभी तो मैंने आपको बता दिया उन्होंने बोला था दीदी मैं दो तीन दिन पहले ही जुड़ी हूँ मुझे आपकी फ़ैमिली के बारे में ज़्यादा पता नहीं तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि गीता कौन है और कौन कौन है आपकी फ़ैमिली में इस घर में मेम्बर यही ही बाकी की डिटेल में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा मेरा पीछे की वीडियो भी देख लीजिए उसमें या फिर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देख लीजिए उसमें मेरे परिवार के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा और बस यहाँ ईशू लगी है अपनी अलमारी को सेट करने में मशीन लगाई हुई है चादरें वगैरह सब चेंज हो चुकी हैं यहाँ से पे पैसे और सच्ची में आज इतने साफ सफाई हो गई कोई कुछ न कुछ करने में लगा था तो मैं इशू को बोल रही थी मेरी भी कपड़े मेरे भी कपड़े ऐसे हो रहे हैं बहुत बिना प्रेस के रखे हुए हैं मुझे भी सेट करने हैं तो इशू यहाँ पे देखो इशू ने अपनी अलमारी कर दी है ठीक बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गई इसकी तो और ऊपर कुछ भी नहीं टा है अभी प्रेस करेगी उसके बाद अपने ऊपर भी इसमें हैंगर में टांग देगी और गन्नू पिंकों की वजह से गन्नू की वजह से खास करके ये पेन वेन यहाँ रखने होते हैं अपनी घड़ी भी यहीं छुपा लेती है और ये प्रेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ये देखो हमारी ये वाली प्रेस ना नीचे से इसमें क्या हो गया एक दिन आग सी बल गई थी और ख़राब हो गई है फिर अब इशू ये वाली नई प्रेस लेकर कर के आइए हाँ इसके लिए आपको बताती हूँ ये वाली ये अभी कल ही लाई है कैंटीन से इसमें स्टीम इस वाली मेरी पहली भी स्टीम वाली थी लेकिन उसमें क्या था कि सिर्फ यही जो स्टीम मतलब पानी यहाँ पे देखिए भरने के लिए है इसमें और उसके बाद में इसमें ये भी है यहाँ पे ऐसे बटन दबा करके आगे से जैसे फुआरा जैसा मारेगी उसमें सिर्फ यही एक चीज़ हिस्सा था जिससे नीचे से स्टीम आती थी इसमें नीचे से स्टीम भी होगी और प्लस हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये पिंक से कलर की है है और फिलिप्स की यह कंपनी की मतलब पहली भी मेरी फिलिप्स की थी वैसे दस साल मेरी पूरी दस ग्यारह साल अच्छे से चल गई है वो लेकिन उसको भी मैं अभी एक बार दिखाऊंगी बिजली वाले को ठीक होती है तो उसको रखूंगी उसके बाद इमरजेंसी के लिए फिर ये लेके वैसे आ गई है कैंटीन से ये हमें पड़ी है सत्रह सौ की और वो मेरी दस ग्यारह साल पहले ली थी मैंने फिलिप्स की ये वाली जो पुरानी वाली है मेरी ये भी फिलिप्स की यही देखो ये रही ये मेरी ये आई थी नौ सौ रुपये की जब आठ सौ मतलब कुछ की तो नौ सौ के राउंड में आई थी और ये वाली आई है सत्रह सौ की कितना महंगा आ गया ना सब कुछ कितना महंगा हो गया है तो नई प्रेस आ गई है हमारी ये देखो इस महीने इतना खर्चा हुआ है ना सच्ची में आप लोगों को बता नहीं सकती ए आया नई प्रेस आ गई ईसू के एयरफोन ख़राब हो गए वो नए आ गए नया आया है अप्रैल के महीने से लेकर मई के महीने तक पूरा कहते ना दीपावली के बिना ही हमारा दीवाला निकल गया है लाइट चली गई बाहर हो गया अंधेरा इस वाले रूम में बैठ के थोड़ी देर करूँगी आप लोगों से बातें मैं और इतनी दिक्कत हो रही है और फिर भी कोई ना कोई चीज खराब हो ही जा रही है हो ही जा रही है समझ नहीं आ रहा एक इन्वर्टर है हमारा ठीक करा लेंगे फिर से खराब हो जा रहा है दो दिन हो गए लाइट जिस दिन आंधी आई थी मैं परसों आई थी तो उसमें भी इन्वर्टर ने बहुत परेशान किया था फिर उस दिन ही मतलब लाइट वाला अपने पास से एक इन्वर्टर रख के चला गया हमारा ले गया है उसमें क्या समस्या आ रही है वो मेरे पीछे बस पड़ा हुआ था कि आपकी बैटरी मतलब जो इन्वर्टर बैटरी मतलब बैटरी आपकी खराब हो गई है लेकिन अब दूसरा इन्वर्टर जो रख के गया उससे एकदम अच्छी चल रही है इसका मतलब उस पर इन्वर्टर ठीक ही नहीं हुआ अभी रख के नहीं गया है बात करिए आएगा उधर वाईफाई का ये सब तो रहते ही ये वाईफाई का रिचार्ज है बिजली का बिल और बिजली का बिल तो इस बार और भी अच्छा खासा आने आने वाला है जो कि रात को एसी चलता है ईशु को और बच्चों को बड़ा मजा आता है रात के दस बजे से और सुबह छः बजे तक ए अपना चलाना क्योंकि कूलर में तो देखो साफ करना पड़े पानी भरो दस चीजें झंझट ए का तो पॉइंट ऑन करो और अपना चालू हो जाओ और उसकी पूछ रहे थे ना कि ये कबूतर जो ना आए उनका बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ में एक्चुअली कि मैं पूरा दिखा के प्रॉपर ही शेयर करूंगी लेकिन हाँ ये गारंटी है कि उसके बाद कबूतर नहीं आते नहीं तो कूलर के ऊपर उन्होंने परेशानी में मतलब पूरा ये कर रखा है खड़ खड़, खड़ करते रहेंगे कूलर के नीचे पूरा एक बार पहले भी बच्चे रख लिए थे और साफ किया है नीचे से रोज बालकनी धुलती है जैसे बाल को नहीं धोने के बाद में क्या करते हैं दस बजे के आसपास गेट दोनों बंद करके पर्दे लगा देते हैं नहीं तो धूप और एकदम से लू आती है ना गर्मी में तो अंदर और शाम तक ही पूरा कूड़ा हाउस में जमा लेंगे और तब तक ही उन्होंने फिर अंडे रख लिए जब रख लिए तो फिर ये था कि अब ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि अंडे उठा के फेंको लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कल मतलब शाम को जब गेट खुला तो उसमें सारा कूड़ा इधर से उधर अस्त व्यस्त था और अंडे भी फूटे हुए थे जो कि गन्नू पिंकू मेरे कभी ऐसे नहीं करते एक बार पहली भी रखे थे मैंने दिखाए थे दोनों बच्चे निकले कबूतर के जब गए क्या हुआ है समझ में नहीं आया अब कबूतरों ने आना उस पर बैठना छोड़ दिया तो फिर मैंने कूड़ा वगैरह आज गी था ने सब बालकनी अच्छे से साफ करके सब फेंक दिया क्योंकि जब अंडे फूट गए उनके तो क्या फायदा लेकिन अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर किया है मंगाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी क्या है वो उसके बाद नहीं आते कबूतर और ज्यादा महंगा भी वो आता नहीं है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो न्यू है प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना मिलूंगी कल और एक अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय